कश्मीर में आतंकियों की जिस तरह से कायराना हरकत भी जारी है, कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडित की हत्या जिस तरह से की गई, उनकी हत्या पर लोगों का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। जम्मू में कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए हैं, कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किए, इंसाफ की मांग की। एक हफ्ते पहले अनंतनाग में आतंकियों ने सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अजय पंडित कांग्रेस के सदस्य थे और उनकी हत्या से सियासत भी अब गरमाई हुई है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। देखिए हमारे सहयोगी शाहनवाज खान की रिपोर्ट। कश्मीरी पंडित सरपंच अजय भारती की निर्मम हत्या के बाद अब कश्मीरी समाज जो है वो काफी नाराज है और इस समय कश्मीरी समाज जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए जम्मू की सड़कों पर यहां पर उतरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर जो नारेबाजी है वो भी यहां पर की जा रही है और साफ कहना है कश्मीरी पंडित समाज के लोगों का कि कश्मीर जो है वो उनका है और उन्हें कश्मीर जाने से यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता। और जिस तरीके से अजय भारती जी की हत्या की गई है उससे ये लोग काफी नाराज हैं और चाहते हैं कि एक सख्त एक्शन जो है वो यहाँ पर उन सभी लोगों के खिलाफ किया जाए जिन्होंने ये पूरा काम जो है वो किया है। हमारे साथ यहाँ पर कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि विरोध प्रदर्शन आप लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब इम्तिहान पार हो चुकी है कश्मीरी पंडित? देखिए, अब एक कश्मीरी पंडित का जो नौजवान है वो जाग गया आज की डेट में विश्व भर में। आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, हमारा हैशटैग जो आज हिंदूज यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डिफर कर रहे हैं केपी वॉलंटियर के जो प्लेटफॉर्म हमारा है, हमारा नॉन फंडेड वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हमने एक हैशटैग रखा है इंडियंस यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, क्योंकि हम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे कंधे के साथ कंधा मिला रहे हैं, पिछले 30 साल से हमें सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जो ये तबका एक निकला है ये एक तबलीकी से भी बदतर है, जो हमारे नौजवान पीढ़ी को खा रहा है, निगल रहा है पिछले 31 साल से। कश्मीरी पंडित समुदाय ने बहुत बच्चे खोए, बहुत नौजवान खोए, लेकिन अब इसका अंत होना चाहिए। मैम, लेकिन आप क्या कहेंगी, क्या वापस जाना चाहते हैं आप लोग, क्या इसके बाद डरेंगे तो नहीं आप लोग? हम तो वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप देखो कितनी दुखद की बात है, अजय एक शेर था, वो शेर की तरह वहाँ के समाज का काम कर रहा, समाज के बीच में बैठा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, जब वो काम कर रहा था उनकी सेवा में बैठा था, तो आज ये क्या हुआ, उसको क्यों किल कर दिया, ये हमें बर्दाश्त से बाहर ये बात हो गई। इसलिए हम यहाँ प्रदर्शन के लिए सब लोग बैठे, इसके साथ सारा यूथ, सारा कश्मीर का जो जितना भी कश्मीरी पंडित यूथ है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने तो बहुत किया है लेकिन आज तक हमारी जो सुनवाई नहीं हुई है। यूथ को हमने ऑर्डर कर दिया कि आप आगे जाओ और इस लड़ाई को लड़ो। तो और आप इस देख सकते हैं ये कश्मीरी समाज के लोग हैं जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और जिस तरीके से अजय भारती की यहाँ पर हत्या की गई है उससे कहीं ना कहीं कश्मीरी समाज जो है वो काफी आहत है और अब वो यहाँ पर सड़कों पर निकलने पे मजबूर हो गया है। जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।